दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि शराब यानी मदिरा पान का सेवन कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शराब पीने से हमें नशा क्यों होता है, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं और होश क्यों खो बैठते हैं? दरअसल जब कोई इंसान अल्कोहल यानी शराब का सेवन करता है तो इस शराब में मौजूद अल्कोहल जो कि इथेनॉल होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक और आंतों से एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड में आ जाता है। इसके बाद ये अल्कोहल ब्लड से होता हुआ हमारे लीवर यानी यकृत में आ जाता है। लीवर ब्लड में मौजूद बहुत सारे अल्कोहलिक कण यानी इथेनॉल को नष्ट करने का काम करता है और शरीर पर होने वाले इसके दुष्प्रभावों को कम करता है। लेकिन जिन अल्कोहलिक कणों को लीवर नष्ट नहीं कर पाता, वो अल्कोहलिक कण ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन के न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। तब ब्रेन के न्यूरॉन फील गुड हार्मोन जैसे डोपामीन और सीरोटोनिन रिलीज करते हैं। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी व्यक्ति को नशे में लाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि लीवर यानी यकृत का काम बॉडी को डिटॉक्स करने का होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसके लीवर की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण उसे लीवर संबंधित कई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि शराब से हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव ही होता है। इसीलिए नशे की लत से दूर रहिए और ऐसे ही ज़बरदस्त जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।